जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हो, जितने फेसबुक और यूट्यूब पर सुन रहे हो, बहुत सावधानी से सुनना। दो बार पशुपति व्रत कर लिए आपने, ये कर लिया आपने, प्रदोष कर लिया आपने, सोमवार कर लिया आपने, सारे अनुष्ठान कर लिए, बहुत सारे उपाय भी करे तो 12 महीने प्रदोष आती है, 12 महीने शिवरात्रि आती है, प्रदोष को ही शिवरात्रि का भाव, 12 महीने आते हैं। आज बहुत सुंदर सा एक उपाय है, बहुत सुंदर सा, शायद आपकी जिंदगी में सबके काम आएगा, सबके काम आएगा। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवदत्त ने महादेव को नहीं चढ़ाया है। वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। अगर व्यापार ना चले, दुख तकलीफ ज्यादा हो, कष्ट ज्यादा हो, बहुत टेंशन जिंदगी में चल रहा हो, कोई काम हो ही नहीं रहा, कोई दिक्कत ही दिक्कत है, व्यापार सही ना चल रहा हो, कष्ट ही कष्ट हो, और यहां तक कहे अगर बीमारी ने भी घेर रखा हो और बहुत जिंदगी में दुख चल रहा हो, कहीं मत जाना, प्रत्येक महीने प्रदोष आती है, हर महीने शिवरात्रि प्रदोष आती है, एक लोटा पानी, 5 बेलपत्र, एक शमी पत्र, पांच बेलपत्र तांबे के लोटे में जल में डाल लीजिए, 7 दाने अक्षत के आखे अक्षत के डाल लीजिए, और प्रदोष काल में, प्रदोष काल जो शाम का समय होता है, प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर जाकर पांव में चप्पल पहनकर ना जाइए, घर में घी का दिया लगाकर कलश लेकर शिव के मंदिर में चले जाइए। शिव मंदिर में दिया नहीं लगाना है आपको, केवल घर में दिया लगाकर जाना है, और शंकर जी के मंदिर में वो ऐसा कैसा ही पानी पूरा उंडेल कर डालकर शिवलिंग पर आ जाइए, झोली पसार कर प्रणाम करिए, शंकर की देहली पर 2 मिनट बैठकर ओम नमः शिवाय का स्मरण कर लीजिए। ओम नमः शिवाय भी आपको बोलना बताया था कि सौभाग्यवती नारी स्त्री नमः शिवाय ओम बोले, और पुरुष ओम नमः शिवाय। अगर पति और पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो दोनों ओम नमः शिवाय बोल सकते हैं, पर नारी अगर अकेले बैठकर स्मरण कर रही है तो नमः शिवाय ओम। आप जब नमः शिवाय ओम बोलना चालू करेंगे तो ओम अपने आप ही आगे आ जाएगा, बोल कर देखिए, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय ओम, नमः शिवाय, नमः शिवाय से चालू करा, ओम अपने आप आगे आ जाएगा। पर पुरुष जब जब जाप करे ओम नमः शिवाय बोले, पति पत्नी दोनों बैठकर जाप कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोल सकते, केवल स्त्री जाप कर रही है तो नमः शिवाय ओम, 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 अपने आप आगे। 5 बार, 3 बार, 7 बार कुछ देर शिव के मंदिर में प्रदोष काल में, प्रदोष के समय पर, प्रदोष के दिन बैठकर शिव नाम का जाप करें, जल का पात्र वापिस घर में ले आए, और बड़े प्रेम से अगले महीने फिर प्रदोष के दिन, फिर प्रदोष काल में शिव के द्वारे जाएं, फिर विनती करें, कहीं मत जाना, केवल शंकर की शरण में जाना, उससे कहना, उससे निवेदन करना, मुझे विश्वास है मेरे शंभू पर। स्कंद पुराण कहती है, शिव महापुराण कहती है, अगर आपने 2 या 3 या 4 प्रदोष ही कर लिए तो मेरा महाकाल बाबा आपकी झोली तो भर ही देगा खुशी, 2, 3, 4 बस बहुत, पूरे साल की तो आप करना छोड़ना मत, अगर बाबा दे भी दे तो पूरा साल तो करना ही करना, बीच में नहीं छोड़ना बाबा। कई बार स्त्रियां सोचती हैं कि बीच में रजस वाला धर्म आ जाता है तो हम नहीं जा सकते, तो घर का कोई व्यक्ति, पर करना सब पूरे महीने की, मतलब हर महीने में एक बार कैलेंडर में जाके निशान लगा लो, लिखा हुआ रहता है प्रदोष, निशान लगा लो कि इस दिन मुझे जाना है शिव मंदिर, नमन करना, अपनी दिल की बात बाबा भोलेनाथ से कहना,
अपने मन का बात मुझे शिव से कह लिया, बस विचार कर लिया, और मैं निवेदन करूंगा जितने लोग जल चढ़ाएंगे और दिल से अगर आपने मांगा है तो बाबा आपको इतना धन तो जरूर देगा कि एक बार शिव महापुराण आप भी कराएंगे, ये पक्का। बाबा इतना तो देगा, ये विश्वास से कहता हूं। हाँ, आपका मन है करना हो तो करो, नहीं तो यहाँ तो हमारे यहाँ तो शिव महापुराण की कथा करती है, तुम्हारा भाव पड़े वैसा करो, पर प्रदोष का जो नियम बताया है, शंकर का अनुमोदन जो बताया है, शिव का स्मरण, शंकर का नहीं। बाबा इतना तो जरूर देगा कि एक बार आप भी हिम्मत कर सकोगे कि मुझे शिव पुराण कराना है, और शिव कराएंगे और शंकर ही सुनाए, वो देगा तो होगा। पारिजात का फूल देखा है आपने? हाथ उठाओ, सबने देखा है ना? ठीक है, रख रख। केवल एक ही फूल है पारिजात का, हार श्रृंगार का, जो पुष्प तोड़कर भगवान देवदत्त महादेव को नहीं चढ़ाया है। कौन सा फूल? जम के बोलो जरा। केवल एक पुष्प है पारिजात का, जो तोड़कर वृक्ष से तोड़कर पौधे में से तोड़कर उस फूल को महादेव पर नहीं चढ़ाया जाता। पारिजात का फूल पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ता, केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का। वो फूल जब पृथ्वी पर गिरता है, जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, वो पेड़ से तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता। केवल एक पुष्प। जम के बोलो कौन सा पुष्प है? और जम के बोलो। आपसे इसलिए जम के बुलवा रहे हैं कि पड़ोसन भी अच्छे से सुन ले, वो पुष्प एक ऐसा पुष्प है, अगर हम गेंदे का फूल तोड़ते हैं, अगर हम धतूरा तोड़ते हैं, हम कोई पत्ती तोड़ते हैं, तो वृक्ष से तोड़कर फिर चढ़ा। पर महादेव को केवल एक पुष्प ऐसा है पारिजात का, हार श्रृंगार का पुष्प केवल ऐसा है, जिस पुष्प को तोड़कर नहीं चढ़ाया जाता, पृथ्वी पर गिर जाता है, जमीन पर गिरता है, और जमीन पे से उठाकर महादेव को समर्पित किया जाता है, वो पारिजात का पुष्प। बोल बम का नारा है केवल एक। अब लोग कहें कि गुरुजी ये पारिजात का फूल जमीन पर गिरता है, फिर उसको उठाकर भगवान को चढ़ाया जाता है, तो वो तो जमीन पर गिर गया, शुद्ध हो गया, बेकार हो गया है। लोग कहेंगे कि कीचड़ का है, धूल का है, मिट्टी का है। शिव महापुराण की कथा कहते पारिजात के फूल को वृक्ष से तोड़कर महादेव को इसलिए नहीं चढ़ाते, क्योंकि हम एक साधारण जमीन पर रहने वाले, कंकर मिट्टी में रहने वाले हम साधारण व्यक्ति हैं, और जब मिट्टी में गिरे हुए पुष्प को जब हम उठाकर भगवान देव अदिदेव महादेव को समर्पित करते हैं, तो हम महादेव से ये कहते हैं, बाबा जैसे ये पारिजात का फूल मिट्टी में गिरा है, धूल में गिरा है, और हमने आपको समर्पित करा है, बाबा ऐसे ही संसार सागर में हम गिरे हुए हैं, हमको भी स्वीकार करना और अपना अपना हमें भी स्वीकार। हे शिव, हे त्रिकालदर्शी, हे कैलाशी, हमें स्वीकार। उर्वशी अप्सरा पारिजात के पुष्प को लेकर आया। कब खिलते हैं पारिजात के फूल? दिन में कि रात को? रात को। सुबह तक गिर जाते हैं। लगभग दशहरे के समय पर, दशहरे से आगे पीछे ही ये पारिजात के फूल ज्यादा आते हैं, ज्यादातर पुष्प उसी समय पर आते हैं, और
जो समझदार व्यक्ति होते हैं ना, वो पारिजात के पुष्प को कई माताओं की आदत रहती है। अब यहाँ पर ऐसा है कि नहीं, परंतु हमारे यहाँ अगर पारिजात का पुष्प है ना, तो उसको ऐसे जमीन पे से उठाकर उसको भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ऐसे कॉपी में उसको रखते जाते हैं, ऐसे ऐसे उसको रख लेते हैं बहुत सारे पुष्प। तो वो पुष्प जो है ना, वो सूख जाते हैं। सूखने के बाद में पारिजात का पुष्प जो शिवरात्रि करने वाले होते हैं, या प्रदोष का व्रत करने वाले होते हैं, या सोमवार की अष्टमी का व्रत करने वाले होते हैं, या सावन के महीने में पूजन करने वाले होते हैं। अब पूरे साल तो पारिजात के फूल आते नहीं है, वो आते हैं दशहरे के लगभग में एक डेढ़ महीने का उनका क्रम रहता है फूलों का आने का। तो वो पूरे पुष्प ऐसे कॉपी में एक पुस्तक में उसको रख लेते हैं, फिर जब भी पूजन करने का मौका मिलता है एक पारिजात का फूल उठाकर महादेव को समर्पित कर देते हैं। कई लोग पारिजात का पुष्प ये वही पुष्प है जो दुर्वासा जी ने भगवान राम जी से बुलवाया था अयोध्या में शंकर जी की पूजन के लिए। दुर्वासा बाबा बुलवाए थे, ये वो पारिजात का एक पारिजात का पुष्प और पांच पारिजात वृक्ष की पत्तियां। बहुत ध्यान देना, बहुत अच्छे से ध्यान देना। एक पारिजात का पुष्प, पांच पारिजात वृक्ष की पत्तियां, पांच बेलपत्र। जितने लोग आस्था पर देख रहे हैं, टीवी पर देख रहे हैं, यूट्यूब फेसबुक पर देख रहे हैं, वो थोड़ा सावधानी से, पांच बेलपत्र, पांच पारिजात वृक्ष की पत्तियां, एक पारिजात का पुष्प। प्रयास करा करो कि प्रत्येक प्रदोष पर या प्रत्येक शिवरात्रि पर उसको समर्पित किया जाए। प्रयास बेलपत्री भी उठा कर ले आना, पारिजात की पत्तियां भी लेकर आ जाना, और पारिजात का जो पुष्प है वो भी लेकर आ जाना। एक बार कर देखना, जितने लोग वॉकर लेकर चल रहे हैं, जितने लोग लाठी टेक कर चल रहे हैं, जिनकी कमर में प्रॉब्लम हो गई, जिनकी डिक्सी की प्रॉब्लम हो गई, जिनके गुरिये खसक गए, या घुटने में गैप आ गया, या डॉक्टर ने कह दिया कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, एक बार कर दे पांच बेलपत्र, पांच पारिजात की पत्तियां, एक पुष्प पारिजात का, किसी भी शिवरात्रि पर, हर महीने शिवरात्रि आती है, किसी भी शिवरात्रि पर बाबा को समर्पित करिए। एक लोटा जल समर्पित कर दो और बाबा पतालेश्वर महादेव का नाम लेकर समर्पित कर उसको उठा ला। पहले जो बेलपत्री लेकर आए हो, रोज एक बेलपत्री पांच दिन तक खाना है, फिर पांच जो पारिजात की पत्तियां हैं उसको रोज एक पत्ती को खाना है, आखिरी में जो पुष्प है वो पुष्प को खा लेना है। 15 दिन के अंदर तुम्हारा घुटना और तुम्हारी कमर काम करना प्रारंभ करेगी और तुम उठकर चल जाओ। पारिजात का पुष्प बड़ी बड़ी आनंदता देता है, बड़ी आनंद। एक पत्र है, शंकर भगवान को चढ़ा हुआ एक पारिजात का फूल उठाकर अगर आप ऐसे ही नहीं खा सकते तो उसकी गोली बनाकर खाने का प्रयास। और एक और बात आज इस व्यासपीठ से कहना चाहेंगे, पारिजात का जो पुष्प होता है, पारिजात का जो फूल होता है, उस पुष्प के नीचे जो एक केसरिया कलर की डंडी होती है, करें दर्शन आप लोगों ने, अरे बोलो तो जमते करें ना, तो जो पुष्प होता है उस पुष्प के नीचे एक केसरिया कलर की डंडी होती है, केसरिया। अगर बाबा की कृपा आप पर हो जाए और कहीं से पारिजात के थोड़े बहुत फूल आपके पास में एकत्रित हो जाए और
मान लो वो पुष्प तुमने शंकर जी को नहीं चढ़ाए हैं और उसके नीचे की जो डंडी है उसको तोड़कर तुमने सुखा लिया, सुखाने के बाद उसको पीस लिया, पीस कर उसको अपने डब्बी में रख लिया। जब भी भगवान शंकर के मंदिर में जाएं और उसका अगर आप शंकर भगवान को केसर तिलक लगाना प्रारंभ करें तो मनोकामना शीघ्र पूर्ण हो। तारी जात के पुष्प का इतना वर्णन है और कोई कहे कि गुरुजी आप ये पारिजात के वृक्ष का जो वर्णन कर रहे हो, आप जो ये पारिजात के वृक्ष का वर्णन कर रहे हो, तो हमारा निवेदन है कि इसको हमने हरिवंश पुराण में से लिया। कौन सी पुराण में से? हरिवंश पुराण में। पारिजात के फूल का वर्णन हरिवंश पुराण के अंतर्गत जो वर्णन किया गया है, पुष्प का जो वर्णन किया गया है, शिव को माता लक्ष्मी भी समर्पित करती है भगवान शंकर को पारिजात का पुष्प। और अगर भगवान ने कृपा करी हो आपके यहाँ, आपके नजदीक में, आपके अड़ोस पड़ोस में, कहीं आपके अड़ोसन पड़ोसन पीछे वाली धड़ोसन, अगर किसी के यहाँ पर अगर पारिजात का कोई पौधा हो, पारिजात का अगर कोई वृक्ष हो, तो प्रयास करना एक पारिजात की पत्ती को अगर अशोक सुंदरी वाली जगह पे चढ़ाकर, आपके घुटने में तकलीफ है, कमर में तकलीफ है, आप नहीं चल पा रहे हो, नीचे नहीं बैठ पा रहे हो, तो कम से कम एक महीना लगातार पारिजात की पत्ती को शंकर पर चढ़ा हुआ वो पारिजात की पत्ती को मलकर, भले पानी से निकलो चाहे तुम चबा कर निकलो, उसको रोज सुबह के समय अगर खाना प्रारंभ करोगे 8 दिन 10 दिन के अंदर तुम्हारा पांव काम करना चालू करेगा और तुम चलोगे, ये निश्चित है। कितना भी कमर में दर्द हो, कितने भी पांव में प्रॉब्लम, आपको चलना होगा ही। पारिजात के फूल का, पारिजात की पत्ती का बड़ा बड़ा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, सब बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करें, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम देते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी।